गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज तनवी फ्रॉम एवरेस्ट क्लासेज। आज 6 जून 2018 के हिंदी ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। इस पूरे लेक्चर को एसएससी, बैंक, पीओ, क्लर्क जैसे एग्जामिनेशन के बेसिस पर रेडी किया जाता है, ताकि जो बच्चे एसएससी, बैंक, पीओ, क्लर्क में का प्रिपरेशन करते हैं, उनको इंग्लिश में अगर जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसमें एक थोड़ा सा हेल्प हो सके, छोटा सा एक हेल्प हो सके। इस पूरे लेक्चर को द हिंदू न्यूज़पेपर से रेडी किया जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर माना जाता है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से टैकल करते हैं एग्जामिनेशन में। तो इस पूरे लेक्चर को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका वोकैबुलरी जो हिंदू एडिटोरियल से लिए जाते हैं। सेकंड वन इज़ इंग्लिश कम्प्रिहेंशन विद 5 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, ये भी आपके द हिंदू एडिटोरियल से लिए जाते हैं। 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड द नेक्स्ट वन इज़ एसे राइटिंग। यहाँ पे हम लोग ऐसे टॉपिक देते हैं जो राइटिंग सेक्शन में होते हैं, ताकि आप जो है बहुत सारी चीज़ें जो आपकी क्लियर हो जाएं, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। और ऐसे इससे रिलेटेड अगर बैंक या ऐसे बैंक वगैरह में अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ वगैरह में, तो आप इजीली उसका आंसर दे पाएँ। तो हम लोग जो हैं वो फर्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, वो है आपका द हिंदू एडिटोरियल वोकैब सेक्शन। एंड द फर्स्ट वर्ड इज़ दिस रे मीन्स उधेर बोन। आप कन्फ्यूज़न में रहते हैं किसी चीज़ को ना, आप जो हैं वो समझ नहीं पाते किसी चीज़ को, क्लियर नहीं होता आपके सामने, उसे उधेर बुन बोलते हैं, ये डिसअरे बोलते हैं। ये एक नाउन है। द मीनिंग इज़ स्टेट ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन और अनटाइडीनेस। एंड द सिनोम्स आर डिसऑर्डर, कन्फ्यूज़न, चाओस। एंड एग्जाम्पल एंटोनॉम्स आर हार्मनी, ऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशन। एंड एग्जाम्पल इज़ हे ग्रे हेयर वॉज इन डिसअरे। सेकेंड वन इज़ लिबरल मीन्स उधार। आप देखेंगे किसी इनलाइटेड बोल सकते हैं, या किसी भी चीज़ को जो है आप ओपनली जो है आप विलिंग करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं किसी को एक्सेप्ट करने के लिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं लिबरल। ये एक वर्ब एंड द मीनिंग इज़ विलिंग टू रिस्पेक्ट और एक्सेप्ट बिहेवियर और ओपिनियंस डिफरेंट फ्रॉम वन ओन। सिनोम्स आर एनलाइटेंड, फ्लैक्सीबल, ह्यूमनिस्टिक। एंड द एंटोनोम्स आर इनटॉलरेंट, लिमिटेड, नैरो। एंड एग्जाम्पल इज लिबरल व्यूज टुवर्ड्स डाइवोर्स। थर्ड वन इज स्टैगरिंग मीन्स चक्कर। ये आप बोल सकते हो कि अनस्टीडली जो मूव या वॉक होता है उसे, ये एक एडवर्ब है। एंड द मीनिंग इज वॉक और मूव अनस्टीडली एज इट अबाउट टू फॉल। एंड द सिनोम्स आर अनएस्टोनिशिंग, स्टुपरफाइंग, एस्टोनाउंडिंग। एंड द एंटोनॉम्स आर अनइम्प्रेसिव, अनइम्पोजिंग, humble। And the example is he staggered to his feet, swaying a little। Fourth one is segregate means alag, aap bol sakte apart bol sakte hain। Adjective and the meaning is set apart from the rest or from each other, isolate or divide। And the synonyms are disconnect, divide, insulate। And the antonyms are attach, connect, couple। And the example is disabled people should not be segregated from the rest of society। Fifth one is shubs means upnagar। ये एक noun है। And the meaning is an outlying district of city, especially a residential one। And the synonyms are countryside, inverns, hinterland। And the antonyms are center, metropolis। And the example is a highly respectable suburbs of Chicago। Sixth one is biodegradable means आप बोल सकते हैं capable of being decomposed, किसी चीज़ को आप जो bacteria वगैरह के through decompose करते हैं, जैसे living organism होते हैं, ताकि pollution जो है वो कम हो, उसे biodegradable बोलते हैं। जैसे कि सब्जियों के जो छिलके वगैरह होते हैं, if you peel the onion or potatoes and the peeled one it will be decomposed। एंड द सिनो नाउन ये है। एंड द मीनिंग इज कैपेबल ऑफ बींग डिकम्पोज बाई बैक्टीरिया और अदर लिविंग ऑर्गेनिज एंड देयर बाय अवॉइडिंग पॉल्यूशन। एंड द सिनोम्स आर बायोडिग्रेडेबल, इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंट। एंड द एंटोनोम्स आर एक्सपीरियंस्ड, एक्सपर्ट, ओल्ड। एंड द एग्जाम्पल इज कंज्यूमर्स हैव फोर्स्ड अ शिफ्ट टू मोर बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। सेवेंथ वन इज प्रोविजंस मीन्स प्रावधान। ये एक वर्ब है। एंड द मीनिंग इज द एक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग और सप्लाइंग समथिंग फॉर यूज। एंड द सिनोम्स आर सप्लाइंग, सप्लाई, प्रोवाइडिंग। एंड द एग्जाम्पल इज द प्रेसिडेंट कंडेम्ड द प्रोविजन ऑफ वेपन्स टू गुरिल्लास। एंड द एट्थ वन इज काउंटरफिट मीन्स नकली। एडजेक्टिव है। एंड द मीनिंग इज मेड इन एक्सटैक्ट इमिटेशन ऑफ समथिंग वैल्यूएबल विद द इंटेंशन टू डिसीव और डिफ्रॉड।
and the synonyms are bogus, copied, false, and the antonyms are actual, authentic, factual, and the example is a counterfeit image of reality. Ninth one is dysfunctional, means bekar, ek adjective, and the meaning is not operating normally or properly, and the synonyms are impaired, antonyms are unimpaired, and the example is the telephone are dysfunctional. Tenth one, last one is assertion, means is prakar ke daave, and the noun and the meaning is a confident and forceful statement of fact or belief, and the synonyms are affirmation, allegation, contention, and the antonyms are desertion, quite, silence, and the example is his assertion that his father has deserted the family. कमिंग टू द हिंदी ट्यूटोरियल एनालिसिस सेक्शन, आज का ट्यूटोरियल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है. कल हम लोगों ने 5 जून को एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया है, और इस एनवायरनमेंट डे पे जो है इंडिया जो है आप बोल सकते हैं कि इंडिया जो है वो प्रमोट कर रहा है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को. और जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे हर्षवर्धन, उन्होंने ये बताया है कि एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं वो, कि हम लोग जो हैं इस थीम पे लेके काम करेंगे, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन. और इसको सिर्फ एक स्लोगन नहीं मानेंगे, बल्कि इसको धरातल पे आप बोल सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट भी हम लोग करेंगे. और इंडिया जो है वो यूएन में होस्ट कर रहा है इस चीज़ को, तो इंडिया जो है इसको जो है एक्सेप्ट, इसको जो है इस पर आप एक कदम आगे बढ़ा करके इस तरह से काम करेगा. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया में सिर्फ इसको स्लोगन पे नहीं, पहले से भी काम होते आ रहे हैं. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में ही इस पे काम हो रहे हैं, लेकिन बहुत बार ऐसे हुए हैं कि सिर्फ ये पेपर पे ही सीमित रह गए हैं. इसे स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह ने भी उतने मोमेंटम तक इसको लेकर नहीं आए हैं. बहुत सारे राज्यों में आप देखेंगे कि प्लास्टिक बैन है, प्लास्टिक के यूजेस बैन है, लेकिन अभी तक उन लोगों को कुछ दिनों तक जब आते हैं नियम कानून तो उसको लिए जाते हैं, उसके बाद उसको छोड़ दिए जाते हैं उसी तरह से, उस पर कोई जो है मॉनिटरिंग नहीं होती है. लेकिन इस पर जो है सिर्फ ये स्लोगन नहीं बने, बल्कि इसको जो है इम्प्लीमेंट भी किया जाए, इस पर फोकस करने की बात की जा रही है. और इसको बीच में नहीं बल्कि लास्ट तक उसको एक्सेप्ट करके पॉल्यूशन को कम करने की बात की जाए. आप सोच रहे होंगे इस पर इतना ज़्यादा जो है प्लास्टिक पॉल्यूशन पर क्यों स्टेप्स लिए जा रहे हैं. आपको बता दें बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक स्पॉटर्स होते हैं, या प्लास्टिक रैपर्स होते हैं, या प्लास्टिक के कीन्स वगैरह होते हैं, जो कि जा करके वो वाटर में मिल जाते हैं, जिसको माइक्रो प्लास्टिक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में. आप देख सकते हैं सी में भी जा करके डिस्चार्ज होते हैं वहाँ पे. अगर आप सिर्फ यहीं का एग्जाम्पल देखें तो अबाउट 60% यानी कि 25,000 टन्स प्लास्टिक जो है वेस्ट जो है हर साल जनरेट होते हैं, लेकिन उनको किस तरह से मैनेज किया जाता है वो नहीं देखते हैं. और पानी के साथ बह के ब्लॉकेज वगैरह भी करते हैं, और जा करके जो है वो नदियों के साथ मिल करके जो है वो सी में चले जाते हैं. सी में जाने के बाद वहाँ छोटे छोटे पार्ट्स में वो ब्रोक होते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस से वो गुजरते हैं. और वहाँ जाने के बाद जो हमारे मैरीन जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो खाते हैं, फिशेस वगैरह खाते हैं, और उस पानी को भी जो है वो बहुत ही गंदा करते चले जाते हैं. अगर हम लोग उस पानी को यूज़ करते हैं, इवन आप जो फ्रेश वाटर से उनको भी यूज़ करते हैं, अगर उसमें प्लास्टिक मिल्स रहते हैं तो हमारे लिए भी बहुत जो है वो हार्मफुल है. यूएन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ समुद्र पे ही ध्यान दिया गया है, हमारे यहाँ के वर्ल्ड वाइड में जो 10 रिवर्स हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, इस रिवर्स में जो हैं बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक मटेरियल्स जो हैं डंप करती हैं सी में, इस पर भी फोकस किया जा रहा है. मैरीन लाइफ को थ्रेट है, प्लस यहाँ पे माइक्रोपैलेटिक प्लास्टिक्स जो हैं वो ड्रिंकिंग वाटर्स में आके हमें भी प्रॉब्लम करते हैं. तो ऐसे वेस्ट जो आप देखेंगे कि ये कोई वेस्ट, अगर प्लास्टिक का कोई वेस्ट है वो ईजिली डिकम्पोज नहीं होता है, उसको सालों से सालों रखे जाते हैं. तो अगर इस चीज़ का अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिसयूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए ही हार्मफुल है. इसका उसके जगह जो है बहुत सारे जो हैं आपके जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं, चीज़ें हैं जिनका यूज़ हम उसकी जगह कर सकते हैं, उसको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि उस चीज़ को हम लोग यूज़ करें. जैसे पेपर्स वैक्स हो गया, कटलरी हो गया, या फिर कैरी बैग्स जो प्लास्टिक होते हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. तो इन सब चीज़ को देखते हुए और स्टेट लेवल पे भी इसकी मॉनिटरिंग कमेटी बनाया जाए, इस रूल्स को जो है अकाउंटेबल बनाया जाए, कि इसको अकाउंट में इसको देखा जाए और मैनेज किया जाए, ये डाई फंक्शनल ना रहे, तो मिस्टर हर्षवर्धन ने इस चीज़ को फोकस करते हुए जो है अपने कदम आगे बढ़ाए हैं और वर्ल्ड में जो है
फ्री प्लास्टिक आप बोल सकते हैं, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन को जो है वो प्रमोट करते हुए यहाँ के स्लोगन को आगे बढ़ाया था, ये है एक आगे बढ़ाया है ये हिंदी ट्यूटोरियल के एनालिसिस। हम नेक्स्ट सेक्शन के चलते हैं, दो हिंदी ट्यूटोरियल कंप्रिहेंशन क्वेश्चन एंड द फर्स्ट वन इज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच वेक्स एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड असर्सन एंड द ऑप्शन आर ए डिसर्सन, बी क्वाइट, सी अफर्मेशन, डी साइलेंस एंड द करेक्ट आंसर इज सी affirmation. Second one is in the following question out of the four alternative choose the word which is opposite in the meaning to the given word suburb and the options are A countryside, B inverns, C hinterland, D metropolis and the correct answer is D metropolis. Third one is in the following question out of the four alternative choose the word which is similar in the meaning to the given word liberal and the options are A intolerant, B limited, C enlightened, D narrow and the correct answer is C enlightened. Fourth one is the sentences given with blanks are to be filled with an appropriate word. Four alternatives are suggested for each question and the question is as a major producer of plastic waste that ends up in the ocean, India is arguably the best place that hosts World Environment Day. And the options are A in, B 4, C 2, D on and the correct answer is C 2. Fifth one is the sentences given with blanks are to be filled with an appropriate word. Four alternatives are suggested for each question and the question is in their response to the crisis, communities and environmentally minded individuals are ahead dash governments and municipal authorities and the options are A on, B 2, C 4, D off and the correct answer is D off. Coming to the idioms and phrases section and today's first idioms and phrases is with good grace means willingly and the example is she helps her friends with good grace. Second one is with a grain of salt means with reservation and the example is I believe her with a grain of salt. Third one is grapes from thorns means expectation of something impossible and the example is it is foolish of you to get grapes from thorns. Fourth one is to have one foot in the grave means to near the death and the example is this serious patient has one foot in the grave. Fifth one is green eyed means jealous and the example is nobody likes a green eyed man. Coming to the next section that is our writing section and today's essay topic is beat the plastic effective slogan. आप देखेंगे beat the plastic अभी कल ही जो है वो slogan आए हैं, सिर्फ ये slogan नहीं है effective slogan है जिसको implement भी करना है, तो please आपके इस related जो है pollution और किस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं आप इस पर अपने suggestions हमें ज़रूर दें, हमें inbox करें, इस तरह के questions वगैरह को आप ready करते हैं topics को तो interview जैसे होते हैं bank PO वगैरह के या GD में participate करते हैं तो आप easy उसको tackle कर पाएंगे plus आपके writing skills भी develop करेंगे. इस लेक्चर के दौरान जो एडिटोरियल पेज आपके स्क्रीन पे आते हैं प्लीज़ उसे रीड लाउड कीजिए ताकि आपके प्रोनंसिएशन और कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो पाए. हम लोग बेरोजगार मुक्त बिहार अभियान से जुड़े हैं, इसके तहत हम लोग जितने भी जॉब सीकर्स हैं जिनको जॉब की ज़रूरत है उन्हें हम जॉब प्रोवाइड करवाते हैं, प्लेसमेंट देते हैं और प्लस जिन पर्सन को जिन एस्पिरेंट्स को इंटरव्यूज़ वगैरह में प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए हम लोग प्रिपरेशन भी करवाते हैं. तकरीबन 400 से ज़्यादा कंपनीज के साथ हमारी टाई अप है हर क्षेत्र में, तो आप इसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं शाम 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक. हमारा एड्रेस है एवरेस्ट क्लासेस अपोजिट एन कॉलेज बोरिंग रोड पटना, एवरेस्ट क्लासेस अपोजिट एन कॉलेज बोरिंग रोड पटना और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं क्वेरीज के लिए. हमारा नंबर है 7279845076 7279845076 and 7004154803 7004154803. Thank you for watching these video. Please subscribe Everest Classes for latest update.